हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी गेमिंग चैनल पे। आज हम करने वाले हैं डिस्प्ले टेस्ट हमारे सबसे बड़े डिस्प्ले वाले डिवाइस का, जो कि है हमारा सैमसंग का A70। इस डिवाइस के अंदर में मिलता है 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो आज हम करेंगे इसका डिस्प्ले टेस्ट। सबसे पहले इसका ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने ब्राइटनेस को 100% पे किया है और ऑटो ब्राइटनेस से हटाया हुआ है। अब हम इसको रखेंगे मीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग आई है 470, जो कि हमें बताती है कि इस डिवाइस के अंदर में बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले मिलता है, एकदम कलरफुल डिस्प्ले, और डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है, तो आप इसको अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है, साथ ही आपको नाइट मोड मिलता है, जिससे कि आप डिवाइस को पूरी तरह एक थीम चेंज हो जाएगी आपकी, पूरा नाइट में चला जाएगा। और उसके साथ स्क्रीन मोड्स मिलते हैं, जिसमें विविड और नेचुरल दो मोड्स हैं हमारे पास। सो आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरह एडजस्ट कर सकते हैं इसके डिस्प्ले को, ताकि आप ज़्यादा देर भी अगर डिस्प्ले को यूज़ करें, डिवाइस को यूज़ करें, तो आपकी आईज पे स्टेन ना पड़े। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के अंदर हमारी स्क्रीन ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले इसका एकदम बढ़िया है। और इसके साथ अगर हम इस डिवाइस के व्यूइंग एंगल्स पर नज़र डालें, तो वो भी आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर बढ़िया व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। व्यूइंग एंगल्स आप देख सकते हैं इस डिवाइस के हमारे काफ़ी अच्छे हैं, और इस डिवाइस को मैंने सनलाइट में भी यूज़ किया था, तो उसमें भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब हम इस डिवाइस की वीडियो टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम इस डिवाइस के अंदर 4K फाइल को चलाएंगे। अगर 4K फाइल नहीं चली तो मैं फुल HD फाइल चलाऊंगी। वैसे ये जो हम 4K फाइल और फुल HD फाइल को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे काफ़ी हैवी शूट होते हैं। आप देख सकते हैं 7.4 GB की फाइल है ये हमारी, तो काफ़ी हैवी शूट होता है। हम प्रोफेशनल शूट को यूज़ करते हैं ताकि डिवाइस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चले। आप देख सकते हैं ये अटक अटक के चल रही है, कई बार थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये जो टेस्टिंग फाइल है, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा अटक रही है, मैं इसका डीकोडर चेंज करती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ठीक से चल रही है फाइल हमारी। अब मैं इसको एक बार फॉरवर्ड कर देती हूं। फॉरवर्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी हमारी फाइल ये आराम से प्ले हो रही है, एक डिकोडर हमें चेंज करना पड़ा और एकदम आराम से चल रही है हमारी फाइल। तो 4K टेस्टिंग में तो ये डिवाइस हमारा काफ़ी बढ़िया रहा। अब जैसे कि वीडियो के साथ हमें डिवाइस की ऑडियो भी चेक करनी होती है, तो मैं जल्दी से इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें जो साउंड मिल रही है वो 100 तक हमारी आराम से जा रही है, तो 99-100 तक आराम से जा रही थी। तो इसके स्पीकर में हमें काफ़ी सही साउंड मिल जाती है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन एवरेज से हमें अच्छी मिल जाती है। वैसे मैं इस डिवाइस का कंप्लीट ऑडियो टेस्ट भी जल्द कर दूंगी, जिसमें हम पूरी तरह टेस्ट करेंगे कि इसकी ईयरपीस की साउंड कैसी है, ब्लूटूथ स्पीकर्स में आपको कैसी साउंड मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी मिलती है, ईयरफोन्स में आपको कैसी साउंड मिलती है। तो हर चीज़ पूरी तरह टेस्ट कर लेंगे हम ऑडियो टेस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, इस डिवाइस के अंदर एक छोटी सी गेम खेलते हैं और देखते हैं कि इसका डिस्प्ले गेम खेलने में आपको कैसा मिलेगा। वैसे मैंने इस डिवाइस का कंप्लीट गेमिंग रिव्यू भी कर दिया है, जिसमें हमने पबजी खेली थी और पबजी को हमने बहुत हाई सेटिंग्स पे खेला था और एकदम फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल रही थी। अगर आपने इस डिवाइस को लेना हो तो मेरे हिसाब से इसका पबजी रिव्यू तो एक बार आप ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस गेम में भी आप देख सकते हैं कि कलर्स हमें बहुत ही ब्राइट और एकदम मज़ेदार मिल रहे हैं, तो आप इस डिवाइस को डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे। 4K फाइल भी आपकी मज़ेदार चलेगी, कलर्स आपको ब्राइट मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स ज़बरदस्त मिलेंगे, सनलाइट में यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब हर एंगल से ये डिवाइस हमारा बढ़िया है डिस्प्ले वाइज।
सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।